चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। एक्सक्यूज मी मजाहिद, जाएं बाजार से वो लेकर आए। वो क्या? वो जो गोल गोल होते हैं ना अंडे। अंडे भी होते हैं लेकिन वो जो हम गोश्त में काट के डालते हैं ना। अरे मोमो, गोश्त के साथ तो हर सब्जी पकाई जाती है भाई। हाँ, वही सब्जी। दो चार सब्जियों के नाम लेना। अरे गोभी, टिंडे, आलू, अदरक, टमाटर वगैरह वगैरह भाई। आए कितना प्यारा बोलते हैं आप, वो सब्जी का ठेला क्यों नहीं लगा लेते, कितने प्यारे लगेंगे आप। क्या बदतमीजी है मोमो, अब मैं सब्जी बेचूंगा। क्यों, सब्जी बेचने वाले इंसान नहीं होते क्या? अरे सुबह सुबह दबाव की दही मत बनाओ। हाँ, दही भी साथ लानी है। आलू 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 लाने हैं आपने? खाली आलू ना, तो फिर भरे हुए कौन से आलू होते हैं? अरे मेरा मतलब है कि खाली आलू पकाओगी? ओए मैं आलू गोश्त पकाऊंगी मुस्तकीम। घर में गोश्त है क्या? नो, गोश्त तो घर में नहीं। अरे भाई तो फिर गोश्त भी तो लाना होगा, ये भी तो बोलो ना। तो जाएं जो दिल करता है लेकर आए, बैठ के बातें करी जा रहे हैं आप। अरे यार, ये जरा सी चीज लाने के लिए मुझे क्यों भेज रही हो? अपने बेटे को भेजो ना। अब मैं आलू लाने के लिए सोने को हॉस्टल से बुलाऊं? मैं है नबील की बात कर रहा हूँ, सोने की नहीं। नबील, ये कौन है? तुम्हारा बेटा मोमो। खाना खाना है ना दोपहर का, तो जाके बाजार से सब्जियाँ लेके आए, वरना फिर मैंने भी सो ही जाना है इधर। मेरे अलावा इस घर में कोई और काम करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम बुलाओगी और मैं नहीं आऊंगा? ओके ओके भाईजान, खुदा हाफिज। नबील, तुम पूरा दिन बेड पर लेट कर गुजार देना। जानू, तुम कहो तो मैं बैठ कर गुजार देता हूँ। खुदा के लिए नबील, कोई काम कर लो, चार पैसे ही कमा लो। जानू, चार पैसे क्यों, मैं तो लाखों करोड़ों कमाऊंगा यार। तुम महीने में 20,000 ही कमा लो, यही बहुत बड़ी बात है। कितनी छोटी बात कर दी जानू तुमने, मैं तो 20,000 एक दिन में कमाने के चक्कर में हूँ और तुम कह रही हो महीने के 20,000। तुमने अपनी शक्ल देखी आईने में नबील? जानू मैं आईना बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ, मैं ज्यादा आईना देखता हूँ ना तो मुझे अपनी ही नजर लग जाती है। तुमने कभी सोचा है नबील, तुमने सारी जिंदगी इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े गुजार देनी है? ये तुम ज्यादती कर रही हो जानू, मैं बिस्तर पे कहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ यार, बाहर नहीं बैठता, लाउंज में बैठ के चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं लॉन में जाके वॉक करता हूँ, किचन में डिनर करता हूँ, फिर एक आधा चक्कर गली का भी लगाता हूँ, फिर जब थक हार जाता हूँ तब आता हूँ बिस्तर पे। नबील कुछ काम कर लो, कोई ऐसा काम जिससे चार पैसे आ जाएं घर में। जानू आ जाएंगे, मैं रोजाना तुम्हें 20,000 रुपया कमा कर दिखाऊंगा एक दिन। और वो दिन कब आएगा? क़यामत से ऐन पहले जानू, इंशाल्लाह। असल बात ये है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कमाने वाली। और जानू प्लीज ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं तुम्हें एक दिन में 20,000 कमा कर दिखा सकता हूँ। हमारी शादी को 10 साल हो गए नबील, और इन 10 सालों में वो एक दिन कभी नहीं आया। जानू तुम्हारा शौहर कितना टैलेंटेड है, ये प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें एक दिन में 20,000 कमा कर दिखाऊंगा। लगी शर्त? शर्त लग गई, बिल्कुल लग गई, और आज ही मैं तुम्हें कमा के दिखाऊंगा 20,000। चलो डन हो गया। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए नबील, 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 महमूसा, महमूसा, नबील, शुक्र है, शुक्र है तुम मिल गए हो। और शुक्र है महमूसा कि आप मुझे मिल गए यार। नबील, खुदा के लिए मुझे बचा लो। ओ यार आप मुझे बचाएं भाई। क्यों, तुम्हारे पीछे भी कोई पड़ गया है? ओ महमूद साहब, मेरे पीछे मेरी बीवी पड़ गई है यार, उसने मुझे चैलेंज कर दिया है महमूद साहब कि एक दिन में 20,000 कमा के दिखाओ मुझे, और वो दिन भी आज का ही है। अरे वो तो कोई मसला ही नहीं है,
तुम्हारे साथ मिलके ये पैसे तो मैं कमा ही लूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है नबील। क्यों महमूद साहब, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आपके गुर्दे फेल हो गए, क्या हुआ है? अरे फजूल बातें मत करो नबील, मेरे पीछे एक बंदा लग गया है। महमूद साहब, मैंने आपको 10 दफा कहा है कि लोगों से उधार लेना बंद करें, लेकिन आपकी घटिया हरकतें कहां खत्म होती हैं यार? अरे तुम गलत समझ रहे हो नबील। अरे अभी पिछली गली में ना एक कातिल को मैंने कत्ल करते हुए देख लिया, उसने मुझे देख लिया और अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। ओ, आप एक कत्ल के चश्मदीद गवाह मान गए? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसको चकमा देकर आ गया हूँ, वो हमारा घर नहीं देख सका। ओके महमूद साहब, लेकिन आपका ये नाचीज बेटा किस दिन काम आएगा? मैं उसको लेके आता हूँ, ढूंढ के अभी लेके आया मैं उसको। अरे नहीं यार, तुम अपने बाप के साथ ये नहीं कर सकते। महमूद साहब, मेरा बाप रोशू बहुत पहले मर गया था। खुदा के लिए नबील, मुझे बचा लो यार, मेरी मदद करो यार। महमूद साहब, मुझे कोई वजह भी तो समझ नहीं आ रही ना कि मैं आपकी मदद क्यों करूं भाई। नहीं नबील, अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें ना सोने में तोल दूंगा, सोने में। ओ बस कर दे महमूद साहब, सोने में तोल दूंगा। ओ मेरे भाई, सोने के अलावा आपके पास मिट्टी नहीं है, कटा नहीं है। नबील अभी मेरे पास देखो, ये सिर्फ 7,000 रुपया। लाए यार, बाकी का हिसाब बाद में कर लेंगे, अब आपने टेंशन नहीं लेनी, आप जाए, मैं सारी चीजें ठीक करके आता हूँ। शाबाश शाबाश, टेंशन नहीं लेनी आप। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। आप एनी नहीं हो सकते, एनी तो इतनी पतली दुबली मोटी मोटी अखां वाली, वो जो पुराने घर के सामने वाले घर में नहीं रहती थी वो। अरे भाई, एनी शाहिद का मतलब है चश्मदीद गवाह। ना आप इतनी मुश्किल उर्दू क्यों बोल रहे हैं, मुझे उर्दू पढ़ानी है आपने? अरे मोमो, मैंने कत्ल होते देख लिया है, कातिल मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने वक्त ही कहां दिया है मुझे? आपने मुझसे वक्त मांगा था। मोमो मोमो, मुझे छुपा लो, मुझे छुपा लो। अच्छा छुपा लो, ओके छुपा लो। मेरे पास ऐसी जगह है ना जहाँ मैं आपको छुपाऊंगी ना, तो आप किसी का बाप भी ना डूब सके। चलो 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 चलो। अरे 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 मामा, अरे मामा दरवाजा खोलो, ये क्या कर रही हो तुम? और मैं पागल जरूर हूँ, पर इतनी पागल नहीं हूँ कि किसी कत्ल के एनी शाहिद को ना अपने कमरे में जगह दे दूं। ना, ये जुर्म है। अरे मामा, तुम कब से कानून का इतना एहतराम करने लगी हो? देखे मुस्तकीम, मैं ना कानून को हाथ में नहीं ले रही, वो जो मारने आएगा ना वो फिर मुझे भी मार देगा। अरे मोमो, अरे हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी यार, ये मत बोलो। नहीं, वो तो काफी सालों पहले खाई थी ना, तो खा के अब हजम भी हो गई, अब तो वो बासुन। मैं समझ गया। अरे अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। आप मुझसे एक बंदे के बारे में पूछना चाहते हैं ना? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता चला? उसका बड़ा सा मुंह है, तोंद भी निकली हुई है, चंद बाल है, पीछे की तरफ बनाता है ना, और सफेद पजामा पहनता है पिछले 11 साल से। हाँ, लेकिन तूने देखा उसको? हाँ हाँ देखे, वो बस में बैठ के यहाँ से चला गया। अबे कौन सी बस, इस इलाके में तो कोई बस नहीं चलती। बस तो नहीं चलती, मेरा ख्याल है पहले वो यहाँ से पैदल गया, आगे उसने रिक्शा लिया, फिर थोड़ी देर साइकिल पे गया, फिर मेरा ख्याल है उसने बस लिया। अबे यार क्यों कंफ्यूज कर रहा है, सही सही बता, वो रिक्शे में गया है या बस में गया है? मेरा जाती ये ख्याल है कि वो यहाँ रहता नहीं है, किसी से मिलने आता है इस इलाके में। अरे किस घर में आता है वो? घर का मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है भाईजान। अच्छा सुन, मेरा नंबर लिख, जैसे ही वो आदमी तुझे नजर आए ना तो तूने मुझे कॉल करनी है। जी जी, मैं आपको कॉल कर दूंगा। अबे नंबर तो लिख। मुझे जुबान नहीं याद है भाईजान। अबे मैंने जब बताया नहीं तो तुझे कैसे जुबान नहीं याद हो गया? अच्छा जी, मोबाइल निकालो, लिख। अच्छा जी अच्छा जी, मैं लिखता हूँ भाईजान, डांटे तो ना। क्या नंबर है जी आपका? 0300। 0200 कर लेते हैं। और तू 3 कर लेते हैं। मैं नजर तो नहीं आ रहा।
महमूद साहब आप कर क्या रहे हैं? अरे इस बात को छोड़ो, ये बताओ मैं नजर तो नहीं आ रहा? महमूद साहब आपका तो इतना बड़ा मुंह है कि आप जहाज से भी नजर आ सकते हैं। अरे मेरा मुंह ना हो गया, कायदे आजम का मजार हो गया जो जहाज से भी नजर आ जाता है। वैसे महमूद साहब एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन आप छुप क्यों रहे हैं? खूबसूरत, मेरे पीछे एक कातिल पड़ा है। अरे मैंने उसको कत्ल करते हुए देख लिया है। तो आप मेरे कमरे में क्या लेने आ गए? अरे भाई मैं छुपने की जगह ढूंढ रहा हूँ। मेरे कमरे में आप पूरे नहीं आ सकते, मेरा मतलब है ये कमरा बहुत छोटा है आपके लिए महमूद साहब। अरे मोमो ने भी दरवाजा बंद कर लिया, फिर मैं कहाँ छुपूं? बाहर लॉन में जाकर छुप जाए ना। अच्छा, ताकि वो मुझे घर के अंदर दाखिल होते ही पकड़ ले। मेरा मतलब है किसी दरख्त के पीछे, किसी पौधे के पीछे छुप जाए। अरे मैं पकड़ा जाऊँ, मारा जाऊंगा बेमौत। आप लाउंज में किसी सोफे के पीछे जाकर छुप जाएं। वहाँ मैं पूरा आ जाऊंगा। गुड आइडिया। हाँ बस अपनी टोन का ख्याल रखिएगा, वो नजर ना आए। अरे मैं यहाँ मरने वाला हूँ और तुम लोगों को जुगतों की पड़ी हुई है, अल्लाह पूछे तुमसे। अल्लाह हमसे क्यों पूछेगा महमूद साहब, आप अल्लाह के पास जा तो रहे हैं, आप खुद ही बता दीजिएगा। क्या हुआ नबील, तुम्हें वो आदमी नजर तो नहीं आया? अरे महमूद साहब मेरा नाम नबील है, नबील, मैंने वो बंदा ढूंढ लिया है। अरे तुम्हारे पीछे तो नहीं आ गया वो कहीं? ओ महमूद साहब आप टेंशन ना लें, मैं उसे बता कर आया हूँ कि आपकी शक्ल का आदमी इस मोहल्ले से हमेशा के लिए फरार हो गया है। शाबाश नबील, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस तरह मुझे भी आपसे उम्मीद है कि आप मुझे इस काम के और पैसे देंगे। क्या हो गया नबील, इस काम के पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। सोच ले महमूद साहब, उस आदमी ने मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, बोला जब भी ये शख्स नजर आए तुमने मुझे बस कॉल कर देनी है। नबील तुम उसका साथ दोगे यार? मैं तुम्हारी माँ का शौहर हूँ। और महमूद साहब मैं भी तो मजबूर हूँ ना अपने पापी पेड़ के हाथों, वो मुझे इस काम के 50,000 रुपए दे रहा है। बल्कि काम करते हैं महमूद साहब, 50,000 उसे लेके 25-25 कर लेते हैं। अरे जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो 25 लेकर क्या करूंगा? तो फिर महमूद साहब मुझे लगता है कि आपका इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। नहीं 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 नबील, ऐसा ना करना। ऐसा करते हैं कि मैं हर महीने अपनी पेंशन का ना 33% तुम्हें दे देता हूँ, कैसा है? लेकिन प्लीज मुझे बचा लो। ओ महमूद साहब बस ही कर दें, 5,000 का 33% होता कितना है? 250-250। मुझे लगता है मुझे उस बंदे को कॉल करनी पड़ेगी। नहीं 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 नबील, ऐसा ना करना। अच्छा तुम ऐसा करो, हर महीने मेरी सारी पेंशन ले लिया करना, लेकिन प्लीज मेरी जान बचा लो। फिर आपको वो पेंशन हर महीने खूबसूरत के सामने मेरे हाथ पे रखनी होगी। डन। चलें, आप अपना बड़ा सारा मुंह और छोटा सा कान मुझे दें, मैं आपको बताता हूं कि आपको मैंने बचाना कैसे है। नहीं मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब नहीं है, वहां आ जाएं। आ जाएं, आए मैं बताता हूं। आ जाएं, आ जाएं। माँ जी। कौन है? मैं खूबसूरत हूँ माँ जी, दरवाजा खोले। मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, जा नहीं खोलती दरवाजा, मुस्तकीम घुस जाएगा अंदर। माँ जी घर में हो क्या रहा है यार, बाहर तो आए। तू बाहर अकेली है? जी माँ जी अकेली हूँ। वैसे मुजाहिद को ना कत्ल होते हुए देखना नहीं चाहिए था। जो कत्ल हुआ वो मुजाहिद था? ओहो जिसने कत्ल होते देखा था ना वो मुजाहिद था, मेरा शौहर। महमूद माँ जी। हाँ हाँ महमूद ने देखा था कत्ल होते हुए, उसे देखना नहीं चाहिए था, अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। कातिल ने उन्हें देख लिया था माँ जी, अब आंखें बंद हो या खुली ये कौन देखता है? तो फिर या तो फांसी चढ़ जाता या फिर डेल करके आता। कत्ल देखने पर फांसी नहीं होती माँ जी। क्यों? देखने वाला भी तो गुनाहगार होता है ना। ये नबील और महमूद साहब कहाँ हैं यार? क्यों नबील भी छुपता फिर रहा है क्या? वो तो मुझसे छुपता फिर रहा है माँ जी। तू भी मेरे बेटे का कत्ल करने लगी है? ओहो माँ जी चले और देखें दोनों कर क्या रहे हैं। हाँ हाँ आए चलो। आप कौन है? वो मैं काम वाली हूँ। कौन सी काम वाली हूँ? बड़े काम वाली, मैंने जी सारे काम कर लेती हूँ। लेकिन तुझे यहाँ बुलाया किसने है? वो मुझे ना जी एक खूबसूरत लड़के ने बुलाया था। तू गलत घर में आ गई है, यहाँ कोई हसीन लड़का नहीं रहता, बता इसको। माँ जी शायद नबील की बात कर रही है। कौन नबील? आपका बेटा, मेरा शौहर माँ जी। खुद तो घर के काम होते नहीं है, काम वालियों को बुला लिया काम करने के लिए। वो तो एक घटिया तरीन आदमी है, मैं तो एक खूबसूरत आदमी की बात कर रही हूँ जिसके सर पे ना थोड़ी थोड़े कम बाल है, थोड़ी सी टिड्डी निकली हुई है। ऐसे ही काफी तो मैं भी जानती हूँ। हाँ उसमें ना मर्दाना वजाहत कूट
कूट के भरी हुई है। हाँ माँ जी, ये तो महमूद साहब का हुलिया बता रही। हाँ, उसने ना महमूद ही नाम बताया था अपना। ना तुझे कैसे पता चला कि मसूद का नाम महमूद है? वो देखिए ना जी, जिस किस्म की उनकी मर्दाना वजाहत है उनका नाम महमूद ही बनता है। भाई हम कोई मासी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप प्लीज जाए यहाँ से, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। मैंने पैसे कब मांगे, मुझे तो बस मुंह छुपाने के लिए जगह चाहिए। ना तो ऐसा क्या किया है तूने जो तुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है? मेरे मतलब है कि मुझे सर छुपाने की जगह चाहिए, पैसे वैसे नहीं चाहिए, बस दो वक्त की रोटी चाहिए। पुत्र ये तो बड़े काम की औरत लग रही है मुझे। हेलो बड़ साहब, बड़ साहब, बड़ साहब, तुम कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो? ओ बड़ साहब, मैं अपने जाती मुंह से बोल रहा हूँ। अच्छा, आवाज तो बहुत पतली आ रही। ओ बड़ साहब, मैं नबील बोल रहा हूँ, नबील बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। ओए अब तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई? ओ बड़ साहब, इस बार तो मैंने ऐसा जबरदस्त काम किया है, आप याद रखेंगे, मैंने एक गैंगस्टर पकड़ लिया है जिस पे हुकूमत ने कम से कम 10 लाख रुपया इनाम रखा होगा, और आपकी प्रमोशन होगी, इनाम अलग से मिलेगा। नहीं नबील, जरूर इसमें कोई तुम्हारा मकसद होगा। अरे बट साहब, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मैं कहना ये चाह रहा था कि उस कातिल को जो पकड़ेंगे आप और उस पे इनाम होगा, वो आधा आधा होगा। मैं पागल हूँ, अपनी जान को खतरे में डालकर उसको पकड़ूं और इनाम तुम्हें दे दूं? ओ बट साहब चले, कोई नहीं, 25% दे दीजिएगा यार, डन है ना? कोई डन नहीं हुआ। ओ यार बट साहब, 5,000 में तो डील डन करे ना यार। हाँ इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ठीक है बट साहब, 5,000 डन हो गया, अपने पूरे आधे घंटे बाद मेरे घर पे पहुंच जाना है। ओ लेकिन यार मैं तो फैक्ट्री के काम से लाहौर आया हुआ हूँ। ओ यार बट साहब, पुलिस की जॉब आप कराची में कर रहे हैं, फैक्ट्री आप लाहौर में लगा रहे हैं। यार बट साहब, लग रहा है ऊपर से बड़ा पैसा कमा लिया आपने। बेशर्मा तुम लोग नजर लगाते हो, इसी वजह से मेरी फैक्ट्री ऑन नहीं हो रही है। अगर टीपू मेरा कर्जा वापस कर देता ना तो अब तक मेरी फैक्ट्री चल चुकी होती। चले अगर आपने नहीं वो बंदा पकड़ना तो मैं किसी और पुलिस वाले को बुला लेता हूँ। और नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं अपना खास बंदा भेज रहा हूँ, वो आके मुजरिम को पकड़ लेगा। ओ भट साहब, लेकिन आपने अपने बंदे के हाथों 5,000 रुपया भेजना नहीं भूलना, और कोशिश कीजिएगा भट साहब, 5,000 का एक नोट हो तो ज्यादा मुनासिब है, मैं कहाँ 1,000 1,000 5,500 के नोट संभालता फिरूंगा। ओके ठीक है, ठीक है यार, ओके बाय। क्या क्या काम करना है, सवेरे उठ के पहले तूने मेरी चप्पी करनी है अच्छा अच्छी तरह, फिर नहाने का पानी गर्म करना है मेरे वास्ते, उसके बाद तूने हल्दी वाला दूध बनाना है मेरे लिए। आपको क्या कोई अंदरूनी चोट पहुंची है? भाई मेरे दिल पे चोट लगी है, मेरा शौहर किसी काम का नहीं है। अरे बहन, ये चोट तो हर औरत के दिल पे लगती है। हाँ सही है, अब तूने ये करना है कि तूने ऑमलेट बनाना है मेरे लिए, तो फिर मेरे कमरे की सफाई करनी है अच्छी सी। एक मिनट माँ जी, आप तो सारे अपने काम बताई जा रही हैं। हाँ तो इसे 2 वक्त की रोटी भी तो मैं नहीं देनी है। और वो 2 वक्त की रोटी आप लाएंगी कहाँ से? नहीं वो ऐसा है ना कि वो कातिल मुस्तकीम को तो खत्म कर देगा, उसकी जो 2 रोटियां बचेंगी इसको दे देंगे। ये आप इधर उधर क्या देख रही हैं? असल मेरा जी, मेरा शौहर बहुत सालिम है, इतना कुटता है मुझे, इतना कुटता है मुझे कि क्या बताऊं आपको, मैं डर रही हूँ कि कहीं फोन आ जाए। हाय, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया? ओहो हमें क्या पता कौन है, ये तो दरवाजा खुलने पे पता चलेगा ना। अल्लाह, मेरा शौहर ना हो, प्लीज मुझे कहीं छुपा ले। एक मिनट, मैं अभी उसको सबक सिखा कर आती हूँ, इतनी काम करने वाली औरत पर इतना जुल्म, तू ठहर तो जा। छोटी डियाना, मुझे कहीं छुपा ले प्लीज। उफ, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, बुरके में है, आपको कोई नहीं देख सकता। चल भाई बाहर जा, मेरे को छुट्टा नहीं। अरे बीबी, मैं कोई फकीर शकीर नहीं हूँ। ना फकीर शकीर नहीं है तो लोगों की बेलें बजाता क्यों फिर रहे तू? अम्मा मैं तो यहाँ एक बंदे को ढूंढने के लिए आया हूँ। ले मैं तो खुद सवेरे से अपने बंदे को ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। ओ, वैसे तेरे बंदे का हुलिया क्या है? हाय इतना हसीन, ये मोटी मोटी आंखें, कताबी चेहरा, यूनानी नोज। अम्मा वो तेरा मियाँ फवाद खान है? हाँ, फवाद खान वही तो मेरे मियाँ है, ढूंढ के ला देना उनको कहीं से। हैरत है, इतने खूबसूरत आदमी ने तुम जैसी औरत से शादी कर ली? क्यों क्यों नहीं कर सकता वो मुझसे शादी? अरे वो इसलिए कि वो इतना हसीन है और तू बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। अम्मा हाँ, मैं तो मोमो हूँ ना, खूबसूरत मेरी बहू है। मैं कहाँ आ गया हूँ? मिस ने मेरे घर आया और कहाँ आया? ओ माफ कर दे अम्मा, और मैंने गलती से इस घर की घंटी बजा दी। तो मैं कब कह रही हूँ, तू बाहर गली में क्रिकेट खेल रहा था, तेरी बॉल इधर आ गई तो उसे लेने आया। ओ खुदा हाफिज अम्मा, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज,
फवाद मिले ना तो उनसे कह दीजिएगा कि आपकी वाइफ इंतजार कर रही है। भाईजान, ओए ओए, तुझे वो आदमी मिल गया? भाईजान, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि तुझे वो बंदा मिल गया? जी भाईजान, समझे, तकरीबन मिल गया। समझे, मिल गया? और क्या मतलब है तेरा? वो भाईजान, एक्चुअली आप ना मुझे 15,000 रुपए अगर दे दें तो मैं आपको बंदा दे देता हूँ। 15,000 रुपए? अच्छा, चले भाईजान 10,000 में डन कर लेते हैं। ये लो 10,000 रुपया और बंदा मुझे दे। ये तो बेहतरीन काम हो गया, आप चले मेरे साथ। लेकिन जाना कहाँ है? वो भाईजान सामने वाले घर में, वो वाले में। अबे तू पागल है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहाँ एक पागल औरत रहती है। सच्ची बात तो ये है भाईजान कि वहाँ दो पागल औरतें रहती है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आप मेरे साथ आए। आए चले, आए, इसको अंदर रख ले, क्यों मतलब समझे, लग जाता है, बंद करे इसको, जेब में डाले, अब आए मेरे साथ। मुझसे भी पैसे लिए थे तुझे पकड़वाने के लिए। नबील, तुम इतने घटिया हो जाओगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओ महमूद साहब, यही तो कारोबार है मेरा भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन। मैंने खूबसूरत से वादा किया था कि मैं एक दिन में 20,000 कमा के दिखाऊंगा। अरे ये कैसा बिजनेस है भाई, तुमने एक वक्त में 2 पार्टियों से पैसे पकड़ लिए। अभी तो तीसरी पार्टी आने वाली है। वो तीसरी पार्टी आ गई? तीसरी पार्टी, क्या आला डाला भाई तुम लोगों ने। हाय अंधा जी, मैं साहूद, ये पुरके में आप थे भाई? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, वरना भूल के रख दूंगा। इस बार मसाला अच्छा डालना है अपने। एक साहब, आपका मुजरिम अब आपके सामने इसे पकड़ के ले जाए और मुझे मेरा 5,000 दें जो बट साहब ने आपको दिया था। ये लो, और तू चल मेरे साथ। पुलिस तुझे बहुत अरसे से ढूंढ रही है और हुकूमत ने तेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है, चल। तो इनाम की रकम? ओ महमूद साहब, इनाम की रकम में से तो 5,000 रुपया मुझे मिला है। ओए चल, ओए चल तू मेरे साथ। ओए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं वापस आऊंगा, वापस। और चल अगले किसी एपिसोड में आना, चल चल। और बेग साहब इसको ले जाए, घसीटते हुए ले जाए। यार नबील, कि तुमने किस किससे पैसे पकड़े हुए हैं? ये क्या हो रहा है? और जानू, लूडो का मैच हो रहा है, देख नहीं रही हो? बिजनेस हो रहा है, मैंने एक दिन में 27,000 रुपए कमा लिए जानू। इसमें से ना 7,000 रुपए मेरे हैं, प्लीज मोमो मेरे वापस लेके दो 7,000 रुपए। नबील, अब तुम इस तरह से पैसे कमाओगे? ओ जानू, इसमें हर्जी क्या है? मैंने थोड़ा सा जहन लड़ाया और इतने सारे पैसे कमा लिए। तुम्हें तो अपने शौहर पर फखर होना चाहिए, फखर। शट अप नबील। अरे गड़बड़ हो गई है, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हुआ बेग साहब, आप कहीं पैसे कम देके मुझे चले गए? इनाम मेरा ज्यादा बनता था। अरे नहीं, वो खतरनाक मुजरिम हमारी तहवील से भाग गया है। क्या चल यार, चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।